और इस वक्त बहराइच से आपको एक बड़ी खबर बता दें, बहराइच के मेडिकल कॉलेज में सांडों ने मचाया तांडव। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बहराइच से। मेडिकल कॉलेज परिसर में आवारा सांडों के द्वंद युद्ध से मची सनसनी। सांडों के तांडव से कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मरीजों के तीमारदारों ने इधर उधर भागकर बचाई अपनी जान। मेडिकल कॉलेज में घूमते दर्जन आवारा सांडों के कारण सुरक्षा को लेकर बना हुआ है खतरा। इससे पहले कई बार मेडिकल कॉलेज के वार्ड में भी घूमते नजर आए हैं आवारा सांड। बार बार हो रही घटनाओं के बावजूद भी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। बहराइच के मेडिकल कॉलेज की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सांडों का तांडव देखने को मिल रहा है। मेडिकल कॉलेज परिसर में आवारा सांड घूमते नजर आ रहे हैं और इस कारण कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हुई है, साथ ही जान माल का भी खतरा देखने को मिल रहा है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से कॉलेज के परिसर में आप कई सांड आपको घूमते नजर आएंगे। आवारा सांड है ये और कई गाड़ियां इससे क्षतिग्रस्त हुई हैं। हालांकि इस बात पर मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बार बार इस तरीके से घटनाएं देखने को मिल रही हैं। आवारा सांड परिसर में घूमते नजर आ रहे हैं और सांडों का तांडव मेडिकल कॉलेज परिसर में साफ तौर पर देखा जा सकता है। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बहराइच जिले की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से दो सांड आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिसर में इस वक्त ये मौजूद दिखाई दे रहे हैं और कई बार ये घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और भविष्य में इन सांडों से कोई भी खतरा देखने को मिल सकता है। तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं बहराइच जिले के मेडिकल कॉलेज परिसर की, जहां पर आवारा सांडों का तांडव देखने को मिल रहा है। परिसर में कई आवारा सांड घूमते नजर आ रहे हैं और इन सांडों के तांडव से कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। मरीजों के तीमारदारों ने इन्हें भाग कर अपनी जान बचाई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से सांडों का तांडव मेडिकल कॉलेज परिसर में देखने को मिल रहा है और कई बार ये ऐसे वार्ड में घूमते नजर आते हैं और मेडिकल कॉलेज प्रशासन बार बार इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं, लेकिन इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे कोई भी खतरा भविष्य में देखने को मिल सकता है। हालांकि कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और फोन लाइन पर हमारे संवाददाता बहराइच से दिवाकर पांडे जुड़ चुके हैं। तो दिवाकर, तस्वीरें स्क्रीन पर साफ तौर पर देखी जा रही हैं कि किस तरीके से मेडिकल कॉलेज परिसर में जो कई सांड आवारा घूमते नजर आ रहे हैं, एक बार जानकारी दीजिए कि क्या कॉलेज प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं है, और अगर है तो क्यों लापरवाह हो इसके लिए बने हुए हैं। जी रेनु, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि सांडों का किस तरीके से तांडव पूरे मेडिकल कॉलेज परिसर में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कई दर्जनों सांड जो है वो दिन रात यहाँ पर आवारा घूमते रहते हैं। इससे पहले भी इस मामले में कई बार शिकायत की जा चुकी है और शिकायत करने पर इसमें थोड़ा बहुत मेडिकल कॉलेज प्रशासन एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण दो तीन दिन तक व्यवस्थाएं ठीक रहती हैं और उसके बाद फिर वही घाट के तीन पांच के दर्रे पर फिर से आवारा सांडों का आतंक इसमें दिखाई देता है। हालांकि पहले भी नेटवर्क चैन इस तरीके की खबर पहले भी चला चुका है कि कई वार्ड में भी सांड घूमते नजर आ रहे थे। इसकी शिकायत भी कई बार मरीज के तीमारदारों ने और स्थानीय लोगों ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन से की है और नगर पालिका से भी की है। जब इस तरीके की शिकायतें होती हैं तो थोड़ा सा मेडिकल कॉलेज प्रशासन एक्टिव हो जाता है और उसके बाद फिर अपने पुराने धरने पर चलता रहता है, जिससे आए दिन इस तरीके की तस्वीरें इस मेडिकल कॉलेज में आम है। कल ये देर रात की घटना है जब सांडों ने के द्वंद युद्ध ने कई गाड़ियों को तोड़ डाला। इधर उधर जो तीमारदार खड़े हुए थे उन्होंने किसी तरह आसपास भाग करके अपनी जान बचाई है। उसके बाद सुरक्षा गार्ड वहां पर कुछ पहुंचे और उन्होंने किसी तरह सांडों को छुड़ाया, परंतु ये व्यवस्था का माहौल इस तरीके से अफरा तफरी का माहौल था कि लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो किस तरफ भाग करके अपनी जान बचाएं। लगातार इन सांडों के तांडव से मेडिकल कॉलेज में मरीजों को और उनके तीमारदारों को सुरक्षा का खतरा बना हुआ है, परंतु मेडिकल कॉलेज प्रशासन इस तरफ को लगातार कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जी रेनु, चलिए धन्यवाद दिवाकर आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।